कि गणेश चतुर्थी एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है। इट इज नॉट अ रीजनल सेलिब्रेशन, इट इज नॉट अ स्टेट, बट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, राइट? ओके, सो ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी वी आर हेयर टू मेक अ इको फ्रेंडली गणेशा। रेडी एवरीवन? ओके, थम्स अप कैन आई प्लीज, सी शो योर यू? थम्स अप। या ओके, सो आई वॉन्ट टू नो हु ऑल आर मेकिंग गणेशा विद मी राइट नाउ। ओके, ये आई कैन सी लॉट्स ऑफ हैंड्स रेज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली, बिकॉज वी हैव टू डू अ लॉट। वी हैव टू मेक गणेशा, देन वी हैव टू डेकोरेट, एंड आई हैव अ सरप्राइज ऑल्सो फॉर यू। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो एज यू ऑल नो दैट वी विल बी मेकिंग गणेशा, एंड यस टुडे आप लोगों के पास शायद कॉमन, आप लोगों के शायद पास में शायद नॉर्मल डो होगा, राइट? बट आई हैव गॉट सम कलरफुल डो फॉर यू लाइक दिस। वी हैव प्लेन रेड, ग्रीन एंड येलो, सो आई विल बी मेकिंग इट विद हिमानी कलरफुल। मैम, आई एम सॉरी बट वी कांट सी इट। मैम इट्स नॉट विजिबल मैम। प्लीज पिन हर। यस मैम, Now visible? यस यस। So I have different shades, so I will be making it from different colors. Okay, but you are making with plain dough, so we can color it afterwards. Okay, जब हम उसको रेडी कर लेंगे हम उसको कलर कर पाएंगे। चलिए, so yes, let's start now. First of all, I am taking green color. Okay, what I am taking? The green color. Do you know हम green color से क्या बनाने वाले हैं? A little idea. Okay, let me give you idea. Because Also, yes. Okay, so yes, one I want to tell you one thing, that please keep a little water like this in a bowl, so that whenever you have like, जब आपको लगे कि हमें स्टिक करना है किसी चीज को, तो हम उसको स्टिक करने के लिए we will put a little of the water, ठीक है, ताकि वो स्टिक हो जाए. Okay, so I was saying with the green color, I will be making a leaf, a shape of leaf, ठीक है, let's give it a shape of leaf. Okay, first of all, I hope आप सबने butter paper रखा है नीचे, because it will be very easy to carry Ganesha after making it, ठीक है, ताकि वो नीचे stick ना हो. So we will take a butter paper on that. Let's put this green color and give it a shape of leaf. Himanima, can you also tell what material you're using, what dough this is, because people are asking. This is just a wheat dough, plain atta, ठीक है? Nothing I've added, nothing else I've done. Yes, but to make it colorful, to make it different colors, I have added food color in it. Okay? And one thing that I want to tell you, a tip is, जब भी आप गणेशा बनाने के लिए डो लगाएंगे तो प्लीज पुट अ लिटिल टर्मरिक इन इट, ठीक है? पूरे डो में टर्मरिक डालने से क्या होता है, उसमें बाद में एंस्टीन लगने का डर नहीं रहता है, ठीक है? Okay, ओके, useful one. यस, नाउ आई एम गिविंग द शेप ऑफ इट अ लीफ। क्विकली वी विल मेक इट लाइक दिस, सो दैट इट विल टर्न इनटू द शेप ऑफ अ लीफ। ओके, सो यू कैन गिव इट लाइक दिस, अ लिटिल फ्लैट वन, यू कैन सी लाइक दिस आई हैव मेड। ये ज्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, ठीक है? ओके, लुकिंग लुकिंग लाइक अ लीफ। ओके, नाउ वी विल गिव अ लिटिल शेप बाय जस्ट टेकिंग अ टूथपिक, जस्ट टेक अ टूथपिक इन योर हैंड, लेट्स गिव अ लिटिल शेप ऑफ लीफ। ओके, लाइक दिस फ्रॉम बिटवीन, यू कैन जस्ट टेक इट अप। Okay, and then you can give a shade of leaf the way I'm doing. I hope it is visible clearly, the shape of the leaf, and you can see the lines as well. Okay, so now let's place it over here. Okay, now with the plain dough, okay, with this white color plain atta, we will just make small ball, just roll, 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 so that it becomes soft and a little of soft and spongy type of. Okay. So now what we will be doing, we will be making legs out of this. हम इसे गणेशा के legs बनाएंगे, ठीक है? I have rolled it like this. You can see? Okay, now I will divide it into two parts. It's divided into two pieces now. Now again, I will make. Okay, now what you have to do is, आपको पीछे से इसको थोड़ा सा broad रखना है और आगे से थोड़ा इसको पतला करेंगे, ठीक है? You can see it this way. Visible everyone? Okay, now we will place it like this. Here. Okay? आई होप इट्स विजिबल, इस तरीके से लगाएंगे हम उसको, आप देख लीजिए। देन वी विल रोल इट द नेक्स्ट वन एंड द सेम वे, आगे से थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे, ओके, और पीछे से थोड़ा पतला, ठीक है? नाउ यू हैव टू प्लेस इट द नेक्स्ट लाइक दिस। हम थोड़ा स्टिक कर देंगे इसको, यू कैन ऐड जस्ट अ लिटिल वाटर इन योर फिंगर टिप्स एंड यू कैन जस्ट जॉइन विद इट। ओके, नाउ यू हैव टू टर्न वन लेग लाइक दिस, इट शुड लुक कि ये नीचे फ्लैट रखा हुआ है लेग, ठीक है? दिस वे, एंड दिस विल टर्न लाइक दिस, ये यहाँ पे लेग ऐसे मुड़ा हुआ है गणेश का, विजिबल? एक लेग थोड़ा सा यहाँ यू टर्न है और एक नीचे की तरफ रखा है, मतलब उनका जो फीट है वो नीचे की तरफ है। व्हेन आई गिव शेप दैट टाइम यू विल मेक मोर क्लियर। ओके, नाउ आई एम टेकिंग येलो कलर। ओके, व्हिच कलर?
येलो, लिटिल पार्ट ऑफ येलो, रोलिंग रोलिंग एंड रोलिंग इट एंड देन मेकिंग लाइक विद द फिंगर टिप्स यू हैव टू जस्ट स्प्रेड इट, जितना भी आप पतला स्प्रेड कर सकते हैं, इट शुड बी थिन, पतला पतला होना चाहिए, मोटा नहीं रखना इसको। Everybody's following. I'm really excited how you all have dressed up and come and are celebrating this. Okay. Now what we will do, I will divide it into two parts. Okay. You can just have cut it from the middle and you can divide it into two parts. Okay. Quickly we will divide it into two parts. Now we will place one part here. And you know what we are making from this? What is this yellow color? This is dhoti of Ganesha. Okay. We are making a different color of dhoti of Ganesha. So roughly you have to stick it like this. Okay, Sheila is doing very interesting. Okay, so now take a toothpick and what you have to do is you have to design the shade of dhoti like this. The lines will be visible when it will dry a little. तब बहुत अच्छे से आपकी फिनिशिंग दिखेगी लाइंस की, सच में ऐसा लगेगा कि हमने धोती पहनाई है गणेशा को। ओके, आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी लाइंस अभी विजिबल हो रही है, ठीक है, थोड़ा और जब ड्राई होगा तो बहुत अच्छे से विजिबल होगा। ओके, नाउ वी विल टेक द प्लेन डो अगेन, हम फिर से प्लेन डो ले लेंगे, ठीक है, अभी हम थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज का लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, देन वी हैव टू रोल एंड व्हाट वी विल बी मेकिंग राइट नाउ द बेली, बेली ऑफ गणेशा, ठीक है, द बिग बेली जिसके लिए गणेशा बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, after rolling it a lot, now you have to put it in the middle like this. Okay, यहाँ पर middle में हम इनको fit करेंगे और थोड़ा सा again we will take a little water on our fingertip and we will try to merge it. हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा उनको stick कर दें और आपस में merge करें. Okay, this way. Now, again, the same white color we will be taking. Okay, and from this, what we will be making? Upper part of Ganesha, the upper body. Okay, upper body ke liye hume isko gol nahi karna hai. Make it a type of oval shape. Okay. A little oval, बहुत ऐसा बस हल्का सा, ठीक है, आई होप इट्स क्लियरली विजिबल एवरी वन। ओके, नाउ वी विल व्हाट डू, वी विल जस्ट प्लेस इट हेयर लाइक दिस। ओके, पहले हमने लेग्स बनाए, फिर हमने टमी एरिया बनाया, अब हम चेस्ट एरिया बना रहे हैं, हम जस्ट इसको पेस्ट करेंगे इसके ऊपर लाइक दिस। जस्ट गिव इट अ शेप ऑफ योर बॉल, जो आपने बेली शेप बनाया है उसके शेप का इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम जस्ट टेकिंग अ लिटिल वाटर ऑन माई टिप्स एंड जस्ट ज्वाइनिंग इट, और मैं उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। So water is glue, Mani? No, it's just normal water. Yeah, that's water. Yes. Yeah, it behaves like it just reacts like glue. Stick कर देगा चीजों को और merge करने में बहुत ज्यादा help करेगा। आपकी जो body parts अलग-अलग दिख रहे होंगे वो नहीं दिखेंगे, merge होते जाएंगे। काफी मर्ज होने के बाद आप अगेन टेक वन टूथपिक और मेरे टूथपिक से इसको बीच में एकदम सेंटर में ऐसे थोड़ा सा डीप शेप लाइन बनाइए टू शो द टू पार्ट्स ऑफ चेस्ट। ओके, एंड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द टूथपिक यू कैन जस्ट मेक अ होल हियर जस्ट टू शो द बेली। ओके, चलिए अब हम क्या बनाएंगे, नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड्स हैंड्स। ओके, फर्स्ट वी विल बी मेकिंग हैंड्स अगेन आफ्टर डो लाइक दिस, अगेन द सेम वे जैसे हमने लेग्स बनाया था, हमने लिया उसको एक बड़े पार्ट को, हमने रोल करा उसको एंड देन वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ओके, अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, नाउ वी विल बी मेकिंग हैंड ऑफ गणेशा। अब हम इसको उसी तरीके से थोड़ा रोल करके हमें आगे से पतला रखना है और पीछे से थोड़ा मोटा। ओके, दिस इज द शेप, ठीक है, गॉट इट।
Now let's stick again. I'm just placing a little water so that easily वो आराम से stick हो जाएगा. And with this water only, मैं गणेशा के हैंड को बहुत अच्छे से stick कर पा रही हूँ. Here, now from this hand, we will show it like this that Ganesha is giving blessings to everyone. सामने की तरफ. Okay. And now let's take the next one. Same way. A thin, a little thin from lower part, or ऊपर से broad. Again, I've added a little water. And let's stick it here. अब यहाँ पर हमको गणेश का हैंड थोड़ा सा फ्लैट रखना जैसे, and you know why? Because गणेश is holding laddus. Okay. चलिए. अब हम पहले की जो ड्राई हो जाए उससे पहले थोड़ी और फिनिशिंग करते हैं. हम जो लेग्स बनाए थे हमने गणेश के, हम उनकी फिंगर टिप्स दिखाने के लिए हम उसको छोटा छोटा सा शेप दे देंगे. आई होप अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर करके. और इस लेग के लिए हम ऐसे करेंगे द सेम वे फॉर हैंड. Okay, so this is the way you can see it is visible. Okay. Okay, so yes, this is visible very nicely. I can show here also on the screen, but it's not visible, I think. Yes. Okay. Wow. Looks beautiful. I'm waiting for the face now. Yes. Let's move towards the face. Now I will take the yellow color. Right. Let's make yellow color face. Okay. Without first making face, I want to make jewelry for Ganesha. Okay. Let's decorate Ganesha. Okay. मैंने white color का दो लिया है. मैंने उसको ऐसे roll करा. काफी लंबा roll करके मैंने उसको ऐसे लंबा roll करके. You can see बहुत पतला roll करके. ठीक है. नाउ वी हैव सम, आई थिंक आपने लेके रखे होल मून, ठीक है, साबुत मून. तो व्हाट वी विल डू, हम इन पे ऐसे स्टिक करते जाएंगे. व्हाट वी आर मेकिंग अ टाइप ऑफ नेकलेस चेन. आई होप आपको विजिबल है क्लियरली. यस मैम, इट इज विजिबल एंड लेडीज आर आल्सो डूइंग इट विद यू. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी एवरीवन. Yes, they all are doing with you. They all are enjoying. Yes, ladies, you are all enjoying it. I can see Maya ji is making, Sheila ji, Kalpana ji. Yes, her Simran daughter is also making. Radha Rani ji, Ashvi ji. Okay, so this is the way I have done. Roughly, I have just stick kar diya, aur aaram se aapke stick ho jayenge. It will not take any time. Okay, now we will make necklace out of this like this for Ganesha. Okay, and again, I have got some yellow. दाल और कैन से दिस मूंग दाल, ठीक है, इससे हमें छोटा सा नेकलेस क्रिएट करेंगे गणेशा का. एंड दिस वी विल स्टिक डायरेक्टली ऑन द बॉडी. आई विल शो यू वंस आई डू इट. हमें राउंड से शेप में देना है जिससे कि लगे उन्होंने कुछ नेकलेस पहना है. व्हाट इज दिस दाल कॉल्ड मैम? इट्स मूंग दाल और येलो दाल, कैन आल्सो कॉल इट. नो बट व्हाई आर यू पुटिंग दिस? ओके, अनदर नेकलेस. ओके, विदाउट द, यस, ओके, नेकलेस. दैट नेकलेस वाज विद द डो एंड दिस इज विदाउट डो. दिस इज अ स्मॉलर नेकलेस. यस. You can see I just made it visible. Wow, looks like beads. Yes. So we have done two necklaces for Ganesha. One is with yellow moong dal and one is with yellow dal. Okay. Now let's make the head. Before that, let's make one more thing. So I have taken this red color. Okay. And I hope मैं जब बनाऊंगी तब आपको आइडिया आएगा कि क्या बना है, right? We have to roll, roll, roll it. बहुत पतला सा इंसान बनाएगा, एकदम पतला सा. Somebody is guessing. Usha ji is guessing. This is going to be laddu. But this is not laddu. Laddu तो बोल होता है ना. Yes. Any more guesses? Okay. अब मैं ये लगाऊंगी गणेश जी के इस तरीके से. आपको आइडिया आ ही जाएगा कि क्या है. Is this safa? No, no. This is sacred thread जो गणेश जी बांध के रखते हैं. ठीक है. So I have given it white की जगह मैंने इसको red shade दिया ताकि थोड़ा different look आए. But otherwise, जनेऊ हम बोलते हैं जो white होता है, right? Yes. Okay. That is the जनेऊ. Yes, जनेऊ is the correct answer. Okay. Now I was making the head. I have taken this yellow ball. ठीक है. थोड़ी ये हमें flat नहीं, एकदम ball shape की थोड़ी गोल गोल रखनी है इसको. ठीक है. And we will just add a little water here also so that it got बहुत easily stick हो जाएगा. Okay, now again merging it by adding a little water on your tips. Let's make the big ears of Ganesha. Time to make big ears. Renu ji, this is not topi. This is the head of Ganesh ji. Right now, it's just the head. We will make topi afterwards. Okay, क्योंकि बहुत बड़े ears बनाने हैं, हमें थोड़ा थोड़ा मोटा और thick और थोड़ी बड़ी ball लेके उसको flat करते जाना है. ठीक है. Somebody was asking धोती, तो आपको मैं बता दूं, धोती भी हमने almost ऐसे ही बनाई थी. The same way. Okay, now again we have to divide this into two parts. ठीक है. Okay, let's cut it from the middle. और अब इसको हम फटाफट टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है. नाउ जिस साइड से फ्लैट है उसके अपोजिट में हम शेप देंगे इसकी. दिस टाइप ऑफ शेप की यहां से थोड़ा सा हमें अंदर करना है. ठीक है. यू कैन सी दिस शेप. ओके,
Now we'll stick these ears here, okay? थोड़ा सा फेस के पीछे की साइड में स्टिक करेंगे. अगेन विद द हेल्प ऑफ वाटर मैं इसको स्टिक कर रही हूँ. This is not actually. Now with the second side also, you will be doing the same thing, okay? Okay, let's do it. This is the flat side. And let's give shape from the other side. You know what does the big ears of Ganesha means? Anybody? The big ears of Ganesha signify something? Can anybody tell? There's a big meaning of that. Why do Ganesha have big ears? Ganesha says that we should listen more. We should speak less, right? Listening is a good thing. हम इंग्लिश में बताते हैं ना आपको जो पढ़ाते हैं लिसनिंग इज अ वेरी गुड स्किल टू लर्न सो यस दैट्स व्हाई जब टॉडलर्स होते हैं वो सुनते हैं सुनते हैं और सब सीख जाते हैं राइट सो यस गणेश आल्सो सेज लिसन लिसन एंड लिसन एंड यू विल लर्न एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न ओके सो आफ्टर जस्ट एडिंग अ लिटिल लिटिल वाटर आई विल शो यू द शेप ओके यू कैन सी द शेप नाउ ओके वी आर ऑलमोस्ट देयर यस जस्ट अ मिनट आई हैव टू सी इट फ्रॉम बैक साइड आल्सो ओके डन नाउ लेट्स डू अ लिटिल फिनिशिंग फॉर द फेस फर्स्ट ओके So first of all, I have okay. First, let's make trunk. And for trunk, also we will be taking yellow color. Okay. Again, the same way. जैसे हमने hands के लिए किया था, ऊपर से थोड़ा broad रखेंगे और नीचे से थोड़ा पतला कर देंगे उसे, ठीक है? Like this. ऊपर से थोड़ा broad है, नीचे से पतला है, और थोड़ा सा इसको हम shape देंगे trunk जैसी. You can see a little shape of cone also. It's looking like a cone. अब directly we will stick it here. Okay. Sheila जी बहुत अच्छा बनाया आपका. आप हमारे साथ साथ बनाइए, then हम इसकी भी photo लेंगे. She is very interested in this type of thing. Yes. See, she has made it. वेरी गुड शीला वेल डन आप देखेंगे मैं वॉटर लेके उसको ऐसे ऐसे करके मर्ज कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं लगेगा ऐसा लगेगा एक ही पार्ट है बॉडी का फेस का ठीक है तो यू कैन सी एकदम ही मर्ज हो गया आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं लगेगा कहाँ से उसको हमने स्टिक किया दिस इज द फिनिशिंग दैट वी वांट एवरीवन ओके नाउ लेट्स टर्न द इन दिस साइड मींस राइट साइड किसका राइट साइड है वो हमारा राइट साइड है ठीक है गणेश जी का लेफ्ट साइड होता है Can you see it, all of you? Wow, this is so pretty. Ma'am, it's mesmerizing actually. Nazar nahi hat rahi. Abhi aur thoda decorate karenge hum, theek hai? This is the way it's looking. Okay, chalo. Ab hum pehle we will take toothpick, theek hai? To do a little finishing. Hum jo Ganesha ki chunk hai, usko aise karke we will make a little of shade. I hope it's visible clearly. Yes, ma'am, it is. It's okay. Really real. Aur upar se hum yahan par, jahan pe trunk, aage we will make two holes to give it more clarity. I hope आप लोगों को visible है the holes. Yes, we can see. Now it actually looks like a trunk. Okay. Now first make eyes. Black pepper for this. Okay. Let's just put eyes. जहाँ पे आपने जैसी trunk लगाई है जहाँ से उसके just ऊपर आपको eyes लगानी है. Oh, so cute. Okay. तो यही हम fillup बना देंगे ऐसे करके. हम three lines बनाएंगे क्योंकि Ganesha mostly ऐसे लगाता है एक थोड़ी बड़ी line. थोड़ा छोटा और फिर थोड़ा छोटा अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ओके हिताची इज लविंग इट ओके नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग हां जी अब जो कई लोग बोल रहे थे कि मैम शायद आप साफा बनाओगे गाइस हां जी आशी ने भी बहुत अच्छा बना दिया है विद द साफा ऑफ रेड वाओ ब्यूटीफुल प्लीज शो अगेन वाओ शी लुक ग्रेट ग्रेट आशी वेरी नाइस ओके अब मैंने इसके लिए रेड कलर लिया है मेरी मैम देयर इज वन स्मॉल बच्चा आल्सो एंड शी इज आल्सो मेकिंग आल्सो वाओ ब्यूटीफुल ओके तो मैंने ये दो ऐसे बनाए हैं ठीक है विद द रेड कलर ओके फिर हम इनको ज्वाइन करेंगे आपस में बहुत ज्यादा ज्वाइन नहीं करना बस हल्का ज्वाइन करके वी विल पुट इट लाइक दिस और एक ईयर से पीछे ले जाते थे और एक ईयर के आगे आई जस्ट शो यू राइट नाउ विजिबल ठीक है द सेम वे वी विल मेकिंग टू मोर रेड कलर लाइंस ओके लाइक दिस वन मोर द सेम वे थैंक यू राखी राखी लव्स इट हमारी मैम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल Thank you so much, Rocky. Thank you. Okay, आप देखेंगे फिर से same two बनाई है मैंने. Okay, now again the same way we will stick these two. और हम इनको यहाँ से लेके पीछे की तरफ लगाएंगे, ठीक है? Okay, पहला हमें ऐसे लगाया, दूसरा इस तरीके से. Okay, now पीछे से भी हमें थोड़ा थोड़ा सा stick करते जाना है कि वो remove ना हो जाए. Okay, now I've taken a green color. ठीक है ग्रीन कलर से हम फिर से एक छोटी सी लीफ बनाएंगे थैंक यू सुजाता जी सी यू कैन सी द शेप ऑफ लीफ
ओके अगेन द सेम थिंग जैसे हमने पहले किया था लीफ के साथ में. आई होप इट्स वेरी क्लियरली विजिबल टू एवरीवन. यस थैंक यू. नाउ लेट्स ऐड अ लिटिल वाटर टू दिस टिप ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए और हमें उसको साफे के ऊपर गणेश जी के यहाँ लगा देना है. वाओ हिमानी मैम, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं रखी आपने. ओह ब्यूटीफुल. ओके अभी छोटी छोटी कुछ चीजें और करनी बाकी है. जस्ट थिंकिंग कि वी विल रन आउट ऑफ द टाइम बिकॉज़ आई हैव समथिंग एल्स आल्सो, बट लेट्स डू इट क्विकली. ओके लेट्स मेक लड्डू फॉर गणेश जी. छोटी बॉल बना के देन आई वांट हर डन स्मॉल स्मॉल डॉट्स. ओके स्मॉल स्मॉल डॉट्स बनाने से ओरिजिनलिटी आएगी लड्डू में. सच में लगेगा सच्ची का गणेश जी लड्डू का है. ओके तो वी हैव प्लेस लड्डू. नाउ लेट्स मेक सम अदर शेप्स लाइक ईयर्स में बनाते हैं कुछ. बहुत प्यारा लग रहा है मैम. थैंक यू सो मच मैम. I just love to do these type of creativity. वाओ वी नीड टू लर्न. And you have made it so easier to understand also and it's looking like कि भी आसानी से आराम से बन जाएगा. मैंने ears में shape दिया मैंने. Thank you so much अभी मैम. Okay, so I've given a little shape to ears as well. Okay, I think let's make some design for Safa also. You can design it like anything like you want to do. जैसे भी आप design कर सकते हैं today. Oh yes, but जो भी design करनी है आपको दो जब तक गीला है तब तक हम कर सकते हैं. Dry होने के बाद आप नहीं कर पाएंगे. Okay, the most important thing for Ganesha is who we tell. Any guesses? क्या रह गया? क्या चीज है जो गणेशा को सबसे प्यारा है और हमने नहीं बनाया है? माउस. वनीता जी बोल रही है. वनीता जी का आगे मोटक हमने बना लिया. यस उनकी सवारी. यस यस दिस इज द शेप आई हैव गिवन. मुशक राज थोड़ा सा यहाँ से मैंने इसको पतला कर दिया और पीछे से थोड़ा सा बड़ा कर दिया है. अगेन लेट्स मेक आईज. सेम मैंने ब्लैक पेपर पॉट्स लेके दोनों साइड्स में लगा दिया. ठीक है लेट्स मेक अ स्मॉल टेल. थोड़ा सा वाटर ऐड करके रितु जी इज ऑल्सो मेड वेरी नाइस. रितु जी ओके सो दिस इज द टेल ऑफ द माउस एंड दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट आई एम मेकिंग. इट डिपेंड्स ऑन यू. ये प्लेन मैम पूजा जी कह रही है कि दांत नहीं बनाए. हां अभी मैं उसी पे आने वाली हूं. ओके नाउ लेट्स प्लेस सम स्मॉल स्मॉल लड्डूस. ठीक है ये प्लेट है जिसमें हम छोटे छोटे बॉल्स बना बना के डाल देते हैं. थैंक यू श्रुति मैम. यस प्लीज डू मेक इट एंड सेंड अस पिक्चर्स. हिमानी मैम विल बी प्लीज टू सी. Yes, I want everyone's pictures. Just maybe banana. Just maybe banana. Please send pictures so that we can put it up on socials. Yes, we would like to put it up on our socials. So now the laddu plate is also ready. ठीक है, हमारे पास toothpick है, हम उसको two parts में divide कर रहे हैं. एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा. Okay, आपको पता है जो full teeth होता है गणेशा का वो हमेशा गणेश जी के right में होता है, मतलब हमारा left. और जो छोटा teeth होता है वो गणेश जी के left में. Wow, last but not least, toothpick के सामने आ गया. Yes, it is the major thing for today. Can you please put it a little left to the camera so that I can take a picture? Yes. Yes, yes. Thank you. Okay, and last but not the least, हमें जो भी हमारा थोड़ा सा डू है उससे क्या करना है गणेश जी के बैक का सपोर्ट बनाना है. सो दैट आपको दिख रहा है इस कैमरा में सपोर्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा पीस पीछे लगा दिया है टू गिव इट अ सपोर्ट. देखिए इस तरीके से. यस उषा जी की बैलेंस बन जाए. ओके सो गणेश जी रेडी. आई होप एवरीवन आपको मजा आया बनाने में. एब्सोल्युटली आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड इट टुडे. माया जी का भी बन गया है. माया जी वेरी नाइस. कैन आई सी इट? यस प्लीज लेट मी सी. वेरी नाइस. माया जी तो इज पूरी डेडिकेटेड तैयार होके गणेश जी उन्होंने आज गणेश चतुर्थी. वेरी नाइस ब्यूटीफुल. ओके सो कैन आई प्लेस इट ऑन साइड मैम बिकॉज आई हैव क्विकली आई हैव वन मोर थिंग टू टेल देम टीच देम. ओके so I've got this plate, a normal steel plate, कोई सी भी प्लेट विथ फाइव बैंगल्स. ओके दिस वी आर मेकिंग आरती प्लेट राइट नाउ. ओके एंड दीज आर फ्यू ऑफ द डिफरेंट शेड्स ऑफ यस वी सी यू. यस प्लीज कैन वी सी इट अगेन? यस होल्ड इट अप. यस वेरी नाइस. Very good. Thank you. Okay, so these are different shades of this is rice actually. मैंने rice को ही paint किया है color से. I have just put poster colors in this to make it different colors. Okay, so quickly in the center we will put the white rice and we will just spread it. Okay. Then in bangles, सबसे पहले हम रखेंगे red color.
नाउ व्हाट यू विल डू विद द फिंगर, आप इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे, ठीक है? आपको लग रहा है कम है तो आप और ज्यादा डालकर उसको कॉर्नर्स में स्प्रेड कर देंगे, ठीक है? इमानी मैम ने सब घर की ही चीजें यूज करी हैं जो आपको हाँ, इंग्लिश दीज ऑल करने आर एवरीथिंग इज फ्रॉम होम. माई मोटिव इज दैट ओनली कि हम कैसे सिर्फ घर के आइटम से डेकोरेट कर सकते हैं. आई होप इट्स क्लियरली विजिबल. यस यस मैम ओके, नाउ वी विल स्प्रेड सम ऑफ द ग्रीन कलर इन इट. और हम इसको ऐसे शेप दे देंगे फिर. ये नॉर्मल व्हाइट राइस थे और मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों के पोस्टर कलर्स होते हैं, वाटर कलर्स यू कैन से, सिर्फ उनसे इनको कलर कर लिया. ओके, नाउ इन मिडिल लेट्स पुट सम येलो कलर. Have you, there's a question, bangles को stick किया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने, सीधा स्ट्रेट रखा है सिर्फ प्लेट पे. आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टिक नहीं करना है, वो वैसे भी फ्लैट प्लेट है तो उसमें सेटल हो जाएगा. ओके, आई होप इट्स लुकिंग गुड ऑन द स्क्रीन. ओके, Beautiful. नाउ फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लेट वी विल पुट अ लिटिल लिटिल येलो राइस. ये जो हम थाली डेकोरेट कर रहे हैं, दिस इज नॉट फॉर गणेशा ओनली, यू कैन डू इट ऑन एनी फेस्टिवल. कोई भी आपका फंक्शन है, आप क्विकली यू कैन डू इट एट होम. इट विल नॉट टेक टाइम ऑल्सो, कुछ ही मिनटों में ये तैयार हो जाएगी आपकी प्लेट एंड इट विल लुक सो ब्यूटिफुल. क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी घर पर होती है, आप फटाफट से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. हिमानी मैम यही है हमारा आज का सरप्राइज। हाँ जी, अभी आई विल टेल यू द डेकोरेटेड, कैसे हम फाइनली गणेशा को डेकोरेट करके उनके एरिया में हम बिठा सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं. वाह, एकता एकता ने भी बना लिया है, शी इज शोइंग इट टू अस, वेरी नाइस एकता, थैंक यू। ओह वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. ओके, सो दिस इज द प्लेट इट विल लुक आफ्टर वी विल डेकोरेट वाओ इट. इट्स वाइब्रेंट एंड इजी टू मेक। इट्स वेरी इजी मैम, बहुत जल्दी बन जाएगा और हर ओकेजन पे काम आता है ये, किसी भी ओकेजन के लिए यू कैन जस्ट मेक. यस एंड क्रिएटिव आल्सो, यू नो। यस, ओके, सो क्विकली आई जस्ट सेट अप एवरीथिंग ऑन माई टेबल मैम. यस प्लीज। ओके मैम, ओके, हिमानी मैम नीड्स अ मोमेंट सो दैट शी कैन शो यू द फाइनल लुक। यस एवरीबडी बाय। एंड इट्स ऑल्सो शोइंग। या तब तक हम देखते हैं कि किसने कैसा बनाया है। शीला जी वेरी नाइस, आई वांट टू सी योर्स। वाओ, शीला जी का बन गया है पूरा। हरसिमरन का भी बहुत अच्छा बनाया है। हम आपको सब दिखाते हैं जिन लोगों ने भी हमारे साथ आज बनाया हुआ है यहाँ पर। यस एकता, ओ किरत इज ऑल्सो देयर। वाओ किरत, यू ऑल्सो मेड इट, सो क्यूट। So sweet. ओके मैम, Natalie has also made it very beautiful with the proper colors. Nagaveni I'm sorry, I'm missing Savleen ma'am. Who did you say? ji, it's with the name of Nagaveni ji. Okay, Nirmala ji is also there. Hey, And one is Nagaveni. Nagaveni ji. Oh wow, Nagaveni ji, very nice, very beautiful. Please stay here. I want to take pictures, please.
Thank you so much. Beautiful. Beautiful, everybody. In Kirat also. I think she's... Usha ji, have you made it? Okay. Yes, Kirat, we'll take a picture with you too. Yes. Oh, okay, ma'am. I'm beautiful. Thank you very much, everybody. We love your enthusiasm, जैसे कि आपने ये सब किया है. अब आपको हिमानी मैम फाइनली सब चीज डेकोरेट करके टेबल पर दिखाएंगे, सो दैट यू नो हाउ टू एक्चुअली डू इट ऑन द फाइनल डे. निर्मला जी, वेरी नाइस. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी. कितना मजा आया आज सबके साथ में ये बना के. अब हम वेट कर रहे हैं कि हिमानी मैम पूरा टेबल. मैम आई एम रेडी. ओ, हिमानी मैम इज रेडी. ग्रेट ग्रेट हिमानी मैम. तो आई विल ऐड द स्पॉटलाइट. वाओ, डू यू सी द फाइनल लुक एवरीबॉडी? Yes, ma'am. I hope it's visible clearly. Yes, yes. Now it is. We have placed Ganesha. Okay. Can you zoom out a bit, Himani ma'am? Yes. Ma'am, can I just take it in my hand and show you? That yes, will be yes. Very beautiful to view. Ma'am, so here we have Ganesha, the thali that we have prepared. We have modak and laddus, and we have some fruits that are most important. And according to us, we have gurdani for Ganesha.